19 मई को अंतिम चरण के मतदान हो चुके हैं और 23 मई को मतों की गिनती होगी। आज जिस चर्चा के लिए हम बैठे हैं वो है एग्जिट पोल, यानी एग्जिट पोल कितने सही है कितने गलत है। हरियाणा की पंचायत में आज इस कार्यक्रम में हमारे पास सिरसा से भाजपा से बात करूं तो श्याम बजाज जी यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ भूपेश मेहता जी कांग्रेस से हैं, प्रोफेसर भामू साहब जो जुड़े हुए हैं जेजेपी से, इसके साथ साथ सम्मानित पत्रकार गण मौजूद है और सिरसा के सम्मानित लोग हैं। सबसे पहले बजाज साहब आपसे शुरुआत करूंगा, जो अभी जो जिस तरह के आए हैं रुझान आए हैं, जिस तरह का एग्जिट पोल है, आप कितना सही मानते हो या इससे ज्यादा आपको उम्मीद है? ऐसा है कि जो देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और जो एजेंसियां हैं उन्होंने पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से और पूरे उनके सर्वे के हिसाब से ये सर्वे किया गया है और ये एग्जिट पोल उसी में किया गया है कि जो आज के दिन में जो ये रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल सही है और इससे 300 प्लस से सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके ग्रुप को आ रही है। 300 प्लस आ रही है। भूपेश मेहता जी, आप कांग्रेस क्या कहती है कि जो एग्जिट पोल है कितना सही मानते हैं आप? एग्जिट पोल को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि 2014 में भी एग्जिट पोल था वो सही नहीं था, 2009 का भी एग्जिट पोल सही नहीं था। मेरे हिसाब से 200 से ऊपर सीटें बीजेपी को नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो मान चुके हैं कि एग्जिट पोल सही नहीं है यानी गलत है, पहले भी आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यूपीए की सरकार बनने वाली है, तो आप क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर अगर 200 से कम सीटें बीजेपी को आएंगी तो यूपीए सरकार बनाएगी, क्योंकि यूपीए के साथ दूसरी पार्टियों का गठबंधन भी है और लोग चाहते भी हैं मोदी की सरकार ना बने, निश्चित तौर पर यूपी की सरकार बनेगी। इस बार हरियाणा में आईएनएलडी से अलग होने के बाद जेजेपी भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा है। हमारे साथ प्रोफेसर सुरजीत भामू हैं जेजेपी से। भामू साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से जो चुनाव एग्जिट पोल आए हैं, क्या एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं? एग्जिट पोल तो कभी भी ठीक नहीं निकला और एग्जिट पोल ने जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनको इग्नोर किया है, हर जगह कोई असेसमेंट नहीं दी ढंग से। और हम जैसे हिसार में लगभग निश्चित है कि हिसार की सीट हम जीतेंगे और बाकी भी हम पोजीशन में अच्छे रहेंगे, लेकिन ये कहीं एग्जिट पोल में नहीं दिखाया गया। और एग्जिट पोल में जो मेन पॉइंट है मोदी जी का, मैं मोदी जी को मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे बधाई देता हूँ कि वो प्रधानमंत्री निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी मेरी सोच है। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी को प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं। सुरेंद्र भाटिया जो वरिष्ठ पत्रकार है, भाटी साहब ओवरऑल आप कैसे मानते हैं कि जो जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, क्या कितने सही मानते हो? लगभग सही है। देखो कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल कम दिखा रहा है तो बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत नहीं होने जा रही। जो पोल ऑफ पोल जो औसत है उसके अनुसार मैं सहमत हूँ, लगभग हरियाणा में 8 सीटें और देश में एनडीए की 290 के लगभग सीटें आने जा रही हैं, शायद बीजेपी बहुमत से 10-15-20 सीटें कम रह जाए। तो ये कहना भी एग्जिट पोल पूर्ण रूप से गलत है, ये राजनीतिक पार्टियों का एक नियम बन गया है, अगर उनके खिलाफ है तो एग्जिट पोल गलत है। पूरा एक मैकेनिज्म है, लोग हज़ारों आदमी लगते हैं, इनके हक में हो तो ये खुश होते हैं और खिलाफ हो तो, इसलिए एग्जिट पोल को पूर्ण रूप से नहीं नकारा जा सकता, लगभग ठीक है। तो आप कहते हैं लगभग ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जो एग्जिट पोल आए हैं आपकी क्या राय है? पहले तो एग्जिट पोल कितने साइंटिफिक है इस पर मेरे को थोड़ा सा शक है। दूसरा, एग्जिट पोल जिस तरह दिखा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी की सीट चाहे 5 कम होए 2 कम होए पहले वाले से कुछ कम रहेगी। दूसरा, एनडीए सरकार शायद एनडीए की ही बनेगी क्योंकि मैक्सिमम सीट उन्हीं के पास रहेगी। यानी एक बात अब तक जो चर्चा हुई उसमें जरूर साफ है कि जो सरकार एनडीए की बनने वाली है और निसंदेह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन इसके बाद फिर भी एग्जिट पोल पे अपने जो पार्टी के हिसाब से संदेह जताया जा रहा है, कुछ सिरसा के लोग हमारे साथ हैं, आप इनसे जानने जाते हैं आपकी जो एग्जिट पोल है उसमें क्या राय है? एग्जिट पोल जनता की राय है, जनता से पूछ के ही राय व्यक्त करते हैं। तो एग्जिट पोल हो सकता है कि 20 या 30 सीटें का अंतर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नकार दें कि बिल्कुल खारिज कर दें वो बात सही नहीं है। एग्जिट पोल है जनता की राय से बिल्कुल सही है, यानी जनता की राय से एग्जिट पोल तैयार किया जाते हैं। और इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं बीच में बताना चाहूंगा कि लगभग जितनी एजेंसियों ने सर्वे किया है उनका सर्वे एक जैसा है, यानी सभी सभी एनडीए को बहुमत दिखा रही है, कि कम दिखा रहा है कोई ज्यादा दिखा रहा है वो अलग बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो ये एक समानता लगती है कि एग्जिट पोल में इस बार है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, एग्जिट पोल कितने सही मानते हैं?
वही आप वाली बात की एक दो सीट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 70% बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल कभी गलत, पहले भी गलत होते हैं क्या? नहीं, देखो ये आम जनमानस तक जाके एजेंसियों ने जो सर्वे किया है, वो जनमानस ने ही तो वोट डाले हैं, तो वो कभी गलत थोड़ी बताएंगे। तो ये 70% बिल्कुल सही रहेगा और एनडीए की सरकार 100%। यानी फिर एक बार फिर एनडीए की सरकार 100% बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, या कितने सही है जो इस बार आए हैं आंकड़े, उतने आप कितने सही मानते हो? ऐसा है, कल मैंने जैसे सारे सर्वे देख रहा था, उसके अंदर जो उसकी विधि बताई गई, एक टीवी के जो न्यूज़ चैनल था उसने सारा डाटा बताया कि हमने कम से कम भी 50 लाख लोगों के ऊपर मतलब ये सारा सर्वे किया है, उसमें से 5 लाख लोगों में, सॉरी 5 लाख लोगों पे हमने सारा सर्वे किया है। उसके अंदर हमने जो बीच में से और छांटनी करके उसके 50,000 लोगों का ये सारा आंकड़ा लिया। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम डिस्कशंस करने के लिए आज बैठे हैं। उनका जो सर्वे है, हर पत्रकार का अपना एक नज़रिया होता है, एक उसकी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। जैसे कहते हैं कि एक हर चीज़ हर आदमी पर लागू नहीं हो सकती, तो उसमें से छोटा सा एक सैंपल लेके हम उस काम को करते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 300 से ऊपर सभी एजेंसी अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी को, तो नेचुरली हम 300 और 325 के ऊपर ही ये सीटें आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी एक बार फिर एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सर्वे आए हैं, तो सर्वे को कितना सही मानते हैं? सर्वे तो 100% सही है ही, परंतु ये इस बार का जो चुनाव है, मुद्दों से दूर एक व्यक्ति के पक्ष और व्यक्ति के विपक्ष में था। विपक्ष का मुद्दा भी मोदी थे और पक्ष का मुद्दा भी मोदी थे, तो स्वाभाविक है कि मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ऐसा 71 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, वो बहुत बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। यानी ये बात बिल्कुल सामने सही आई है कि जो चुनाव जिस बार लड़े गए वो मोदी बनाम राहुल गांधी लड़े गए, यानी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने चाहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसी पे हुई। तो मैं एक चर्चा और करना चाहूँगा कि हरियाणा के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो INLD और JJP अलग होने के बाद कहीं ना कहीं जो INLD का वोट बैंक है वो कहीं शिफ्ट हुआ है BJP की तरफ। तो आप सुरेंद्र भाटिया जी, आप एक्सपर्ट हैं, पहले भी इस तरह की सर्वे कर चुके हैं, आप क्या मानते हैं कि जो INLD का वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ क्यों शिफ्ट हो पाए? ऐसा है, INLD जो है मुख्य रूप से कांग्रेस से लड़ती रही है पिछले, जब से हरियाणा का गठन हुआ है, चौधरी देवीलाल ने 1967 में कांग्रेस छोड़ी थी। तो ऐसा मानना है जो व्यक्ति जीवन भर कांग्रेस के साथ विपक्ष में गया है, वो भाजपा के साथ और इनका समझौता भी रहा है। कुछ जो मोदी की जो लहर थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ वैसे भी नहीं जाना था, तो ये एक उनकी मनोस्थिति थी। जिस प्रकार से कुछ कांग्रेस का वोट बैंक है, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी नीचे चला जाए 10% 12% वो वोट देता, INLD का जो वोट बैंक है वो मेरा ख्याल 40 से 50% दो हिस्सों में बटा है और 40 से 50% भाजपा में जा रहा है। यानी INLD का जो ज़्यादातर वोट भाजपा में गया। भूपेश मेहता जी, आप क्या चाहते हैं कि जो INLD का वोट जो भाजपा में गया है वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आ पाया? ऐसा ही, INLD जो है शुरू से भाजपा की बीट ही है, इसलिए उन्होंने तो भाजपा के साथ ही जाना है। लेकिन एक बात जानी जी आपको मैं बता दूं, ये जो एग्जिट पोल ज़्यादा दिखा रहे हैं, जो 300 सीटें दिखा रहे हैं या ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि रीजनल पार्टियों पे दबाव पड़े और वो हमारे साथ आए। लेकिन निश्चित तौर पर 200 से ऊपर सीटें नहीं आनी भाजपा को, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो आज की चर्चा में ये निष्कर्ष निकला है कि जो मोदी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे साथ और पत्रकार जुड़े हैं, आप इनसे मानते हैं कि मान साहब आप अभी पहुंचे हैं, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह के एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल कितने सही है जो इस बार आए हैं खासकर? देखिए, एग्जिट पोल लगभग बहुत समय से हो रहे हैं और इनकी एक्यूरेसी आज भी डाउटफुल है, पहले भी डाउटफुल रही है और ऑफ दी मार्क बहुत हुए हैं। लेकिन इस बार क्योंकि शायद 6 एजेंसीज ने किया है, एक को छोड़ के लगभग सबका अनुमान यहाँ पर आता है, फिर भी यू कैन गिव प्लस माइनस ऑफ 10% टू मेजर पार्टीज NDA UPA कि 10% के आसपास कम या ज़्यादा किसी भी तरफ हो सकती है। लेकिन कुल मिला के आप NDA को जो आंकड़े NDA पक्ष में जा रहे हैं सही मानते हैं? मैंने यही कहा है, दोनों पार्टीज़ के लिए कहा है कि प्लस माइनस 10%, आप ये नहीं कह सकते कि इतने ही आएंगे या प्लस 10 आएंगे, प्लस माइनस 10% तो एक बिल्कुल एक वाजिब एक साइंटिफिक बात है। तो आपने पूरा निष्कर्ष सुना है कि इस प्रकार जो जिस प्रकार के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें नो डाउट कि लगभग सभी एग्जिट पोल में NDA को बहुमत दिखाया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बाकी 23 तारीख को जो गिनती होगी उसके बाद सही पता चल पाएगा।